अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऐसे निमृत दी, आज हम ब्रेड बटर क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारे भाई भाभी दोनों पागल हो गए हैं। पता नहीं सुबह से कौन से टॉपिक पे बहस कर रहे हैं और पता नहीं बहस कब खत्म होगी, तो आज ब्रेड बटर से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे यार, मुझे तो लगा था कि भाभी आज भी कुछ नया बना के खिलाएंगे। ऐसे एक बात बता, इतने दिनों में तूने भाभी से कुछ तो बनाना सीखा होगा ना, सारा दिन तो किचन में रहती थी। हाँ हाँ, बनाना तो सीखा था, पर भाभी मुझे कुछ बनाने नहीं देती थी, उन्हें डर लगता था कहीं मैं जल ना जाऊँ, इसलिए। तू नहीं, कहीं तू किचन ना जला दे, इसलिए डर लगता था। वैसे वो भी हाई पॉसिबिलिटी तो है, केपेबल तो हूँ मैं उसके। तो बनाए सैंडविच? नहीं नहीं नहीं, ये ब्रेड, ब्रेड पर थोड़ा चलेगा? दौड़ेगा भाभी, बस थोड़ा सा ना प्याज ज्यादा डालना। तब तक मैं डाइनिंग टेबल सेट करूँ? हाँ तुम सेट करो। सॉरी यार, मुझे देर हो गई आज। अंजू एक प्लेट लेकर आना। हाँ। थैंक यू। वैसे कितने बॉयफ्रेंड्स थे? मेरे? हाँ ऑफ कोर्स तेरे। अब यहाँ पे और किससे पूछ सकता हूँ? क्यों, मतलब भाभी से नहीं पूछ सकते? हाँ पूछ सकते ना, मेरे 3 बॉयफ्रेंड थे अंजलि, 3। और मैं इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। आई मीन भाभी इतनी प्रिटी है, इनके पीछे तो लड़कों की लाइन लगी रहती होगी। श्योर? क्या श्योर? असली असली बॉयफ्रेंड थे मेरे। हाँ हाँ भाभी, असली में ही होंगे ना, बॉयफ्रेंड्स नकली में थोड़ी ना होते हैं। अरे अंजलि यहाँ तो गलत है, बॉयफ्रेंड्स होते हैं नकली भी हैं, काफी बारी होते हैं। ऐसे कैसे भाई? समझी नहीं तू? मैं हूँ ना, देख ये जैसे ब्रेड पकौड़ा है ये असली, पर वो क्या होता है ख्याली पुलाव, वो तो नकली होता है क्योंकि वो ख्याली होता है। ऐसी कुछ बॉयफ्रेंड असली होते हैं और कुछ ख्याली होते हैं। सच्ची? मुच्ची। रियली भाभी? रियली मतलब मेरे बॉयफ्रेंड ब्रेड पकोड़े की तरह असली है। नाम थे उनके अरुण, वैभव, रितेश, ये नाम थे उनके। रियली? क्या? और मुझे इस बात में कोई भी डाउट नहीं है, मतलब भाभी इतनी सुंदर है, बंदर बन के पीछे घूमते होंगे लड़के इनके। मुझे भी उस बात पे कोई डाउट नहीं है अंजलि, और ये तो सवाल है ही नहीं मेरा। सवाल ये है कि तेरी भाभी इन बंदरों, आई मीन ये जो बॉयफ्रेंड है इनके, क्या नाम, अरुण शरुण जो भी है, इनका क्या किया इसने? किया क्या मतलब? अरे मत, तूने वो कहानी सुनी है भूखी चुड़ैल वाली? नो। मैं बता दूं, एक चुड़ैल होती थी, वो ना गुफा से निकल के कुछ लड़कों को फंसा लेती थी, फंसा के वापस गुफा में ले जाके उनको खा जाती। अंजलि तेरी भाभी का केस भी कुछ ऐसा है। हाँ बिल्कुल, ये ब्रेड पकौड़े की तरह तल बल के चटनी वटनी लगा के अपने बॉयफ्रेंड को खा रही है। मैं रुकिए, क्या हो रहा है इसका? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।